सब्सक्राइब करें मेरे चैनल द नॉलेज अड्डा को, बेल आइकन प्रेस करें मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप यादव आपका अपने इस चैनल द नॉलेज अड्डा में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने जा रहा हूं पावर पॉइंट प्रॉब्लम की। समटाइम क्या होता है, आज मैं स्टेप बाय स्टेप उस प्रॉब्लम को डिस्कशन करूँगा। समटाइम क्या होता है कि सपोज आपने कोई पावर पॉइंट 2016 में बनाई है, आपने किसी कारणवश 2016 को अनइंस्टॉल कर दिया, फिर आप 2010 इंस्टॉल करते हैं या कोई भी वर्जन इंस्टॉल करते हैं, तो समटाइम क्या होता है जब कोई आप पीपीटी ओपन करते हैं तो ओपन नहीं होती। जैसे मैं आपको एक पीपीटी दिखाता हूँ ओपन करके, जैसे मैंने इस पीपीटी को ओपन किया तो ये पीपीटी मेरी ओपन नहीं होती है। बेसिकली यहाँ पर मैसेज आ जाता है, पावर पॉइंट फाउंड ए प्रॉब्लम विथ कंटेंट इन दिस पावर पॉइंट, कैन अटेम्प्ट टू रिपेयर द प्रेजेंटेशन, इफ़ यू ट्रस्ट द सोर्स ऑफ प्रेजेंटेशन क्लिक रिपेयर। आपने यहाँ पर रिपेयर पर क्लिक किया तो बेसिकली क्या होता है, ये सही नहीं होता है। इसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, हो सकता है कि आपने वर्जन को चेंज किया है, हो सकता है आपने 2010 में बनाया है वो 16 में सपोर्ट तो करेगा, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जो पीपीटी 2016 में बनाया है वो 2010 को सपोर्ट करे या 2013 को सपोर्ट करे, तो ये एरर इसके वजह से भी आ सकती है। तो जैसे मैंने आपको एक और दोबारा दिखाता हूँ, जैसे मैंने इसको ओपन किया, ये हमारा ओपन हुआ, यहाँ पे मैसेज आ गया, इसको हम रिपेयर करते हैं, रिपेयर होता नहीं है, क्योंकि जब तक ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगी तब तक उस पावर पॉइंट को आप ओपन नहीं कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं इसी का सलूशन बताऊंगा कि ये कैसे हम इसको सही कर सकते हैं। तो दोस्तों वो स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है, सबसे पहले क्या करना है, अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले हमने इसको ओपन किया, देखते रहिए, मैंने इसको क्या किया, यहाँ से कैंसिल कर दिया। अब आपको क्लिक करना है, चलिए मैं इसको भी क्लिक कर देता हूँ, आपको फाइल पे क्लिक करना है। जैसे आपने फाइल पे क्लिक किया तो इस तरह से आपका कुछ आएगा। अब आपको क्लिक करना है ऑप्शन पे गए, यहाँ पर देखिए वेरियस टैब दिखाई दे रहे हैं। अब आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है ट्रस्ट सेंटर, यू हैव टू क्लिक ऑन ट्रस्ट सेंटर, मैंने इस पर क्लिक किया। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीन चार मैसेज भी आ रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है ट्रस्ट सेंटर सेटिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। आपने इस पर क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर देख रहे होंगे प्रोटेक्टेड व्यू, ध्यान रहे दोस्तों प्रोटेक्टेड व्यू की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं कि तीन जो चेक बॉक्स है तीनों इनेबल है। ये जो सबसे ऊपर है इनेबल प्रोटेक्टेड व्यू फॉर फाइल्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द इंटरनेट, इसको आप करना है अनचेक। आप इसको कर दीजिए ओके, आपकी प्रॉब्लम हो गई है रिजॉल्व। अब हमने इसको बंद किया, इसको ओपन कीजिए तो देखिए आपकी फाइल हो गई ओपन। इस तरह से इस प्रॉब्लम को आप इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियो, थैंक यू।